फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीम। उत्तर प्रदेश के महोबा से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। मामला 31 अगस्त का है। पीर बाबा के उर्स में तेहरा गांव के लोगों को आमंत्रित किया गया। उर्स का ये मेला चरखारी कोतवाली के सालच गांव में पिछले 6 साल से लगातार चलता आया है। बड़ी बात यह है कि ये क्षेत्र हिंदू बहुल है और इस समारोह में आसपास के मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी बड़ी संख्या में भाग लेने आते हैं, लेकिन इस बार का आमंत्रण हमेशा से थोड़ा अलग रहा। इस बार आमंत्रण प्रसाद के नाम पर नॉनवेज बिरयानी परोसने के कारण विवाद का रूप बन गया। दरअसल गांव के बाहर बनी पीर बाबा के मजार पर उर्स के आयोजन में हिस्सा लेने आए हिंदुओं को धोखे से मांसाहारी बिरयानी खिलाई गई और इस पूरी घटना में सबसे बड़ी बात यह रही कि प्रसाद के नाम पर मांसाहारी बिरयानी खिलाने पर बहुत बड़ा बवाल हो गया। ना तो प्रसाद बांटने वाले ने ना ही प्रसाद बनवाने वाले ने ये घोषणा की थी कि बिरयानी में भैंसे का मांस मिला हुआ है। इस स्थिति में हिंदू श्रद्धालुओं ने भी धोखे से बिरयानी का प्रसाद खा लिया, लेकिन अब जब उन्हें ये बात पता चली कि प्रसाद में मांस और हड्डियां हैं तो बवाल मच गया। ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि 23 नामजद समेत 43 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। कल्लू, शहादत, छुट्टन, समीम, यूनुस, यूसुफ, भूरा और मुन्ना के खिलाफ FIR दर्ज हुई। इसके अलावा 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है और अन्य धाराओं में रिपोर्ट हुई है। धोखा खाए लोगों का आरोप है कि कल्लू काजी ने ही धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के नाम पर प्रसाद में धोखे से भैंसे की बिरयानी खिलाई। जब लोगों को इस बारे में पता चला और बवाल हुआ तो पंचायत बुलाई गई। इस पंचायत में कल्लू काजी ने लोगों को गंगा स्नान कराने और शुद्धिकरण के लिए 50,000 रुपए देने का वादा किया। पंचायत के फैसले से असंतुष्ट होकर लोग इस मामले को लेकर स्थानीय विधायक के पास चले गए। इसके बाद विधायक बृजभूषण राजपूत गांव पहुंचे और आरोपितों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने के अधिकारियों को उन्होंने ये निर्देश दिए। इस मामले में भारतीय दंड संहिता के नाम पर 153A जिसके अंतर्गत धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव के खिलाफ पूर्व ग्रहण कार्य करने संबंध में 295A, इसके अंतर्गत जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों, इरादों द्वारा किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को या उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के संबंध में जो भी दलीलें पेश होती हैं, धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी और बेईमानी का मामला और धारा 506 आपराधिक धमकी के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। विधायक बृजभूषण राजपूत ने आरोप लगाया कि सालत गांव के बाहर बनी पीर बाबा की मजार फर्जी है। उन्होंने कहा कि यहाँ झाड़ फूक के नाम पर महिलाओं का शारीरिक शोषण किया जाता है। उन्होंने ये मांग की है कि भैंसे की मांस वाली बिरयानी खिलाकर हिंदुओं की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया गया है उसकी जांच के साथ साथ इस मजार के नाम पर चल रहे फर्जी वाड़े की भी जांच होनी चाहिए ताकि सच को पता लगा जा सके कि यहाँ पर झाड़ फूक के नाम पर महिलाओं के साथ किस हद तक शोषण किया जा रहा है। तो फिलहाल इस मामले में इतना ही, लेकिन इसकी जो भी अपडेट आएगी उसको जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। नमस्कार।